मैं क्यों कह रहा हूं कि नशा करने वाला मिनक नहीं? इसलिए कह रहा हूं कि जिस आदमी ने इसमें एक लेना शुरू कर दिया है, चिट्ठा पीना शुरू कर दिया है, दारू पीना शुरू कर दिया है, आप मुझे बताइए वो अपनी मां को मां समझेगा? जिन्होंने इसमें फुल मात्रा में पी लिया है वो अपने पत्नी को पत्नी समझेगा? नहीं समझेगा, तभी तो घर से गहने चोरी करके ले जाएगा। जी को बोरडो बांधनी लुगाई, वो लुगाई के चाहे कितो ही संकट आज है, चाहे कितनी गरीबी कितनी कंगाली आज है, हजारों लाखों रुपया को ऋण लेना पड़े, लेकिन बागे चलो ओ हाथलो बेच दो, पगड़ो बेच दो, बोई बेच दो, हई बेच दो, पर इन बचार राखो, क्योंकि मारो तो है जू ओ ही है, अरबी भले मीनक ने मौको मिले तो बोई ले जाए। तब आप मुझे बताओ क्या मिनक बना है? और अभी सोशल मीडिया पर ऐसा आया, शायद झूठा है कि पक्का, इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन वहां बाहर कहीं दक्षिण भारत में था, कहीं था वो हैदराबाद में, पति पत्नी दोनों इसमें के नशे में पागल, और इसमें के नशे में पागल पति पत्नी ने अपनी छोटी सी नैनी बिटिया को मार दिया। हाँ, ऐसा लिखा हुआ आया था कि वो उसको बैग में डाल के और ट्रेन से आ रहा था, बीच में पकड़ा गया, टीटी ने पकड़ लिया। अब आप ऐसी घृणित और ऐसी बुरी बात को थोड़ा सोचिए कि नशे करने वाला आदमी कितनी हद तक मर चुका है, जिस बेटी को 9 महीने उसी मां ने पेट में रखा, उसी बाप के अंश से वो बनी, और वही मां बाप नशे में इतने पागल हो जाते हैं कि उसी बेटी को मार देते, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई उनसे अपनापन नहीं, कोई लगाव नहीं। क्यों? क्योंकि उस इसमें के अंदर वो मां की ममता मर गई। अब आप उसको मिनक कहोगे? वो मिनक की श्रेणी में थोड़ी आते हैं। इससे भले तो राक्षस भी होते हैं, जो राक्षस कम से कम अपने बेटों पर ध्यान रखते हैं। इसलिए महाराज जी, नशा बड़ा खतरनाक है, मैं आपको बात आगे इसलिए बता रहा हूं। अगर कोई युवान यहां बैठे हैं, कोई उस मार्ग पर जा रहा हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि उससे हट जाओ। धीरे 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 ये ऐसे पकड़ लेता है, ये नशा जो होता है ना, अंगुली पकड़ करके और पुंचा पकड़ने वाली बात होती है। पहले जर्दा सीख जाओगे, गुटका सीख जाओगे, दारू सीख जाओगे, बढ़ते बढ़ते अमल इसमें एक है? क्या बात कहे महाराज, इस नशे से सो आज कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने मां बाप को बिस्तरों में मुंह लको लको करके, छिपो छिपो करके आंसू बहाने पड़ रहे हैं नशे के कारण, कितने मामा काका नाना को नीचे देखना पड़ रहा है नशे के कारण, कितने भाई भाई के मुंह इधर उधर हो रहे हैं, कितने बहन भाई का पवित्र रिश्ता भी तार तार हो रहा है इस नशे के कारण। और ऐसे ही अगर ये नशा चलता रहा, ऐसे ही नशे की मनवार चलती रही, तो आने वाले कुछ एक छालों के बाद में ये जो पवित्र रिश्ते होते हैं ना, बहन भाई का है, घर में पति पत्नी का है, माँ बेटे का, अड़ोसी पड़ोसी का, ये सारे रिश्ते जल करके स्वाह हो जाएंगे नशे में। विश्वास किस पर करोगे? अब जब ये घटना आ रही है कि एक मां और बाप ने मिलकर के बेटी को मार दिया, तो फिर आप विश्वास किस पर करोगे? भाई मां से ऊपर कोई चीज होती है क्या? बाप से ऊपर विश्वास आप किस पर करोगे? भाई से बढ़कर के विश्वास किस पर करोगे? पति से बढ़कर के एक पत्नी जिसको 20 साल मां बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया,
और उसको एक ऐसे व्यक्ति के पीछे भेज देते हैं कि जिंदगी भर इसको ये संभालेगा, और वही नशा करने लग गया। उस पत्नी का तो वही पति सब कुछ है ना, उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया उस माँ को छोड़ करके भी पति के पीछे आ रही है, और वही पति जब नशे में पागल हो जाए तो फिर पत्नी कहां जाए। इसलिए महाराज, अगर कोई घर के अंदर आपका भाई हो, माताओं बहनों आपका भाई हो, आपका पति हो या आपका बेटा हो, नशे की आदत में पड़ जाए तो जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उसे नशे को छोड़ाओ। हां ये मत सोचना नशा लेकर के और रुपये तो हजार लाख दो लाख महीने के कमा रहा है, अरे वो काम किसके आएंगे। नशे लेकर के, नशा बेच करके या नशा लेकर के बाहर जाकर के लाख दो लाख रुपए तो कमा रहा है, लेकिन वो रुपए काम किसके आएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। परिवार रुड़ जाएगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। इसलिए कोई अगर जा रहा हो सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, ये मीठा जहर है, नशा मीठा जहर है। और कितने पागल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, इंग्लिश में एमए किए हैं, लेकिन फिर भी वो गुटके का पाउच लेकर के जर्दे का ऐसे करते हैं, और उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा होता है कि तंबाकू खाने से, वैज्ञानिक चेतावनी है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। मत बिछू कोरुड़ है, बिछू रो फोटो लागूडो कि नहीं लागूडो, अरे भलो मिनक भी मुंह में खाते। और महाराज मुंह में डालता है तो कई कई तो उसको देखते हैं, देख करके उसमें से कुछ छांटते हैं। अभी गंदगी में बड़के छांटा है भाई, यूं गंदो तो कहीं है ही को नहीं, अरे बड़े ही में छांटा है तो कई छांटे भी नहीं, तो मुंह में डाला है। एक बार मेरे खुद के देखने में आया, कोई आदमी था पास में, देखा वो जो छिपकली होती है ना, छिपकली उसका सिर उसमें आया। हाँ अखबार में भी आया ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो खुद देखा इस चीज को, छिपकली का सिर उसमें आ गया। और बम्मी ने हृदय बजरदर पूड़ी ले, हृदय ऊँ डाल ले और बच्चे भी न रस जी में बढ़े। ओहो समझ में नहीं आता है कि मिनख कितना पागल हो गया है, ये नशा क्यों करता है। और नशे के कारण एक बात कहूं तो आज तक का रिकॉर्ड है कि नशे के कारण पति पत्नी का रिश्ता टूटा है, ये तो मैंने सुना है। नशे के कारण राजाओं के राज गए हैं, ये भी सुना है। नशे के कारण अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हुई है, ये भी सुना है। नशे के कारण किसी की खेत बिक गया, ये भी सुना है। नशे के कारण किसी की गाड़ी बिक गई है, ये भी सुना है। नशे के कारण किसी की टांग टूट गई है, ये भी सुना है। नशे के कारण किसी को कैंसर हो गया, ये भी सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि नशे के किसी का भला हो गया, आज तक सुना नशे से किसी का भला हुआ, ऐसा सुना क्या। अब कई लोगों गया कि खांसी जुकाम हो जाए तो एक आदमी हो, विनोद की बात है, छोटो छोरो बिन खांसी आवन लागे, एक कोई भलो दारू पीवनी मिनको बन गयो के एक ढकन दारू पावे तीन खुल खुल खत्म हो जाएगा। अब वो त्यार हो गयो पण बन गयो हाची गारंटी ले गई खुल खुल जाए कि नहीं जाए, बन गयो मारा तो राज का राज भूगिया खुल खुल है कितनी चीज, रजवाड़ा ही भूगिया जो खुल खुल तो है तो कितनी चीज। तो इससे तो राजाओं के राज चले जाते हैं, बड़े गहरे गहरे रिश्ते टूट जाते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए भगवान जाम्बोजी ने 29 नियमों में कहा, अमल तंबाकू भांग मध्य मासूम दूर ही भागे, इनसे तो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और कई बूढ़िया मिनक हुणे है न हुणे तो घर जार कही दियो कि थारी गलत आदत पड़ गई तो दुजड़ा ना ही कहो, थे रुड़ गया तो रुड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन आगला वास्ते मार्ग खुलो राखो। ओ कांटा को मारे गए इरे मस्त दूसरा ना जाऊं दो, घर में बूढ़ो दादो भी ले तो पोता हूं घर के माई बेटा हूं और घर में अड़ोसी पड़ोसी हूं, छुप पर थोड़ो शोक लेनो
किया जी आजकल की नहीं खांसी जुकाम हो जाए तो बिन के है कोरोनो की नहीं हो जाए कर जाए तो वो अलगो रहे क्वारंटाइन हो जाए तो नसो उड़ क्वारंटाइन में रिया करो अलगो रिया करो लार ले कोर्ट अलगो रह के भाई मेरा अलगो रहे लकर लिया करो छिपर लिया करो ताकि दूसरा देखे नहीं और दूसरा नहीं देखे तो बेबी हो चे वो गलत काम है। महिमा मनवार नहीं करनी और अलग रह भगवान रो भजन करनो क्योंकि अगर नशो ही करनो है तो संत महात्मा लिख्यो है कि परमात्मा रे नाम रो करनो नशो करनो है तो किन रो करनो अमल तंबाकू भांग अमल धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात नाम खुमारी नानकाबा चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा करो जो दिन रात चढ़ी रहे खुमारी दिन रात आनंद रहे और ऐसा नशा है केवल भगवान के नाम का नशा। अगर नशा ही करना हो तो अमल तंबाकू को छोड़ना और अमल तंबाकू को छोड़ करके और संत महात्मा संत महापुरुष क्या कहते हैं कि परमात्मा के नाम का नशा करो। कौन नशा?